अगर आपके पास है ओप्पो A79 5G मोबाइल और आप अपने मोबाइल को रीसेट करना चाहते हैं, तो कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल को रीसेट कर पाएंगे? यानी दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी सेटिंग्स गड़बड़ हो जाती है या दोस्तों कोई भी सेटिंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है या कैमरे में प्रॉब्लम आ जाता है और अपने मोबाइल को आप रीसेट कर देते हैं, तो आपके मोबाइल की जो दोस्तों सेटिंग्स रहती है वो पूरी दोस्तों रीसेट हो जाएगी और आपका जैसा नया मोबाइल आए थे वैसा ही दोस्तों आपका मोबाइल हो जाएगा और आपके मोबाइल में जितना भी डाटा रहता है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल में कोई भी पर्सनल डाटा है तो उसको आप किसी के मोबाइल से शेयर कर सकते हैं, किसी के मोबाइल में भी शेयर कर सकते हैं और उसके बाद में दोस्तों आप फिर से उसको ले सकते हैं। तो आपको मोबाइल को कैसे रीसेट करेंगे, उसके लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा, थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों, एडिशनल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट, तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे रीसेट फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट फोन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। क्या क्या रीसेट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग और रीसेट ऑल सेटिंग, यहाँ पे एरज एसएमएस एंड एमएमएस मैसेज स्टोरेज ऑन द फोन दिस फोन। तो यहाँ से दोस्तों आप अपने मोबाइल में रीसेट कर, अगर आपको पूरा मोबाइल रीसेट करना है तो यहाँ पे इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने मोबाइल में जो भी लॉक बनाए रहेंगे स्क्रीन लॉक वो डालेंगे और आपके मोबाइल दोस्तों वो रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप अपने मोबाइल की कोई भी सेटिंग्स को अगर रीसेट करना है सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं, अगर पूरा मोबाइल रीसेट करना है डाटा तो पूरा मोबाइल का डाटा यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओप्पो A79 5G मोबाइल को आसानी से रीसेट कर पाओगे।